Assalamualaikum. Hello everyone. I am your instructor Sama Zaidi with my channel Lightmate Early Learner. आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने अर्ली लर्नर्स को डिसिप्लिनर कैसे बना सकते हैं. हम अर्ली ईयर्स में डिस्कस कर रहे हैं उन बच्चों को जिनकी एज 2.6 से 4 ईयर्स है. डिसिप्लिन वो लिमिट्स और बाउंड्रीज होती हैं जो हमारी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अपने लर्नर्स के लिए सेट करती है. हमारे लर्नर्स को उन्हीं बाउंड्रीज में रहकर अपने टास्क अचीव करने होते हैं. हमारे लीडर लर्नर्स को डिसिप्लिनर करना एक बहुत मुश्किल टास्क है. हमारे टीचर्स को बहुत पैशनेट होना पड़ता है. अगर हम स्टार्टिंग 6 मंथ में बच्चों को डिसिप्लिनर बना देंगे तो लर्निंग प्रोसेस में टीचर्स को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी. हमारे लीडर लर्नर्स के लिए क्लासरूम एक बहुत बड़ी बाउंड्री होती है. वो फ्री रहना पसंद करते हैं इसलिए वो स्कूल सराउंडिंग्स में हमें हर जगह नज़र आते हैं. वो हमें प्लेग्राउंड में नज़र आते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में नज़र आते हैं, वो स्टाफ रूम में नज़र आते हैं, वो कैंटीन पर नज़र आते हैं और हमें वॉशरूम्स के बाहर भी नज़र आते हैं. हम अपने अर्ली ईयर्स को डिसिप्लिनर करने का स्टार्ट उनकी मॉर्निंग असेंबली से रहते हैं ताकि आफ्टर 6 मंथ जब वो असेंबली में जाएं तो हमारी बाकी क्लासेस को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. हम उन्हें मॉर्निंग असेंबली के लिए लाइनअप होना सिखाएंगे. हम उन्हें प्ले ग्राउंड में जाते हुए लाइनअप करवा के लेके जाएंगे. हम उन्हें कैंटीन जाते हुए चेक करवाएंगे. हम उन्हें वॉशरूम जब लेके जाएंगे हर एक्टिविटी के बाद हैंड वॉश करवाने लाइन्स में लेके जाएंगे और जब स्कूल ऑफ होगा तो भी हम उन्हें लाइनअप करवा कर गेट तक लेके जाएंगे और एट द एंड बच्चे असेंबली के लिए रेडी होंगे वो टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस के बगैर अच्छे से लाइनअप हो सकेंगे. हमारे लर्नर डिसिप्लिन मेथड्स में हम सबसे पहले बच्चों के लिए लिमिट सेट करेंगे और उन्हीं लिमिट्स में रहकर बच्चों को वर्क करना होगा. हम उन्हें प्रॉपर अटेंशन देंगे. हम जितनी उन्हें अटेंशन देंगे वो इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते तो हम फाइंड आउट करेंगे उनके बिहेवियर्स के पीछे कौन सी साइकोलॉजिकल या फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं. उन्हें सर्च करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चा अच्छे से रिस्पॉन्ड करे. काम वर्ड्स यूज़ करेंगे और ऐसे एक्शन करेंगे जिनको बच्चे इजीली फॉलो कर सके. उन्हें वर्क करने के लिए लिमिटेड टाइम देंगे. जैसे ही टाइम ख़त्म हो जाएगा बच्चों को उसी ड्यूरेशन में अपना वर्क कंप्लीट करना होगा ताकि वो लर्निंग प्रोसेस के लिए रेडी हो जाए और टीचर्स को भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो मेरे लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.